ग्वालियर में नगर पालिका डबरा के अध्यक्ष की पुत्रवधु से लूट कर फरार चल रहे दो लुटेरों को क्राइम ब्रांच व डबरा थाना पुलिस ने मुखबर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा है। पकड़े गए लुटेरों से लूटे गए दो मंगलसूत्र और घटना में प्रयुक्त की गई बाइक अलावा चेन स्नैचिंग की आधा दर्जन से करीब लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच व डबरा थाना पुलिस पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ कर उनके द्वारा शहर में की गई वारदातों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी गई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच एडिशनल SP क्राइम राजेश डंडोतिया ने बताया, 17 अगस्त को डबरा थाना क्षेत्र में डबरा नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी जाटव की पुत्रवधु रेखा पत्नी जितेंद्र से चेन की लूट कर फरार चल रहे शातिर लुटेरों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी दामोदर गुप्ता व डबरा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम लगाई गई है। बीते रोज CCTV कैमरा में एक जगह संदेही बाइक का नंबर मिला। पड़ताल के बाद दो संदेहियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने दो चैन स्नैचिंग के साथ ही करीब आधा दर्जन अन्य वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है और उनसे महिला की लूटी गई सोने चेन के साथ ही अन्य वारदातों में लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके द्वारा शहर में की गई अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को यकीन है कि पूछताछ में लुटेरों से कई और खुलासे हो सकते हैं। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों में अपना नाम अजमेर और आकाश बता रहे हैं। साथ ही बताया गया है वो मूल रूप से भितरवार के रहने वाले हैं और वह किराए का कमरा लेकर रहते हैं और वारदात करने के बाद वह पुलिस से बचने के लिए किराए के कमरे में छिप जाते हैं जबकि पुलिस उन्हें हाईवे पर तलाशती रहती है। सचिन में ये हो सकता है इनको वेरीफाई किया जाए तो इनको ठाकुर बाबा के मंदिर के पास से इनको संदिग्ध हालात में इनको पकड़ा और जब इनसे पूछताछ की तो ये टूट गए। इनके द्वारा बताया गया कि जो 17 जून जो 20 जून की घटना हुई थी और जो 17 अगस्त जो घटना हुई थी बाइक से मंगलसूत्र लूटने की वो इनके द्वारा की गई है।